इन सब में पहला देखिए प्रक्षेत्र। प्रक्षेत्र मीन्स नाम कमाना है ना, उनका नाम कमाना। दूसरा महात्मा, तीसरा उखाड़ना, चौथा सुधारना। बेटा इसको आपको टू टाइम्स और लिखना है, ठीक है। इसके बाद शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखिए सबसे पहला शब्द आसान। आसान का शब्दार्थ क्या होता है? सरल, ठीक है। दूसरा सूझबूझ। सूझबूझ का शब्दार्थ समझदारी, ठीक है, अपने समझ से काम लेना। तीसरा कोशिश। कोशिश मतलब जैसे कि हमारा एक काम अगर ठीक से ना हो तो हम उसको बार बार करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो कोशिश का शब्दार्थ होगा प्रयास। चौथा इशारा। जब हम कहीं पे हमको आवाज नहीं करनी रहती है ना, तो हम क्या करते हैं, इशारा करते हैं, तो इशारा का शब्दार्थ क्या होगा, संकेत, है ना, हाथों के द्वारा करते हैं इशारा। पांचवा ताकत। ताकत का शब्दार्थ क्या होगा, शक्ति। टॉपिक वन में आगे हम करेंगे पार्ट तीन आदतों की जड़ का प्रश्न उत्तर। प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है श्यामू अमरूद का पेड़ क्यों नहीं हार पाया, है ना। उत्तर देखिए श्यामू अमरूद का पेड़ इसलिए नहीं उखाड़ पाया क्योंकि अमरूद के पेड़ की जड़ें मजबूत हो गई थी और उसे उखाड़ना असंभव था, है ना। श्यामू जी का छोटे छोटे पेड़ों के पौधे को जल्दी से उखाड़ पा रहा था, लेकिन जब बड़े पौधे अमरूद का पेड़ जो था बहुत बड़ा था और उसकी जो जड़े थे वो जमीन में अंदर तक थी और बहुत मजबूत हो गई थी, है ना, इसीलिए श्यामू अमरूद का पेड़ नहीं उखाड़ पाया। दूसरा अंत में महात्मा ने श्यामू को क्या समझाया, है ना, जो महात्मा जी थे उसने श्यामू को क्या समझाया। अंत में महात्मा ने श्यामू को समझाते हुए कहा कि शुरू में बुरी आदतों को उखाड़ फेंकना आसान होता है, लेकिन जब बुरी आदतों की जड़ें फैलकर मजबूत हो जाती है तो उसे उखाड़ना मुश्किल होता है, है ना। जिस प्रकार पहले छोटे पौधों की जड़ों को हम क्या करते हैं, आसानी से उखाड़ सकते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं उसकी जड़ें फैल जाती हैं, उसको नहीं उखाड़ पाते। उसी तरह हमारी आदतें हैं ना, शुरू शुरू में अगर हम कुछ छोड़ना चाहें तो वो बहुत जल्दी छूट जाती है, लेकिन जब उसकी पेड़ की तरह मजबूत हो जाएगी वो आदतों की जड़, तो हम उसे उखाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। हमारा तीसरा प्रश्न, महात्मा की सी बड़ी बातें सुनने के बाद श्यामू ने क्या किया। उत्तर देखिए महात्मा की सी बड़ी बातें सुनने के बाद श्यामू ने उसी दिन से बुरी आदतों को सुधारना शुरू कर दिया।